जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने इस बात का दम भरा कि उनके और रोहित शर्मा के बीच तालमेल अच्छे हैं, उसी में वो ये कहते भी नजर आए कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट खेलेंगे या नहीं, इस बारे में फिलहाल उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब ये है कि रोहित ने टीम के जो हेड कोच हैं उन्हीं को अभी तक साफ तौर पर नहीं बताया कि उनका फैसला क्या होने वाला है। उन्होंने नहीं बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट को लेकर उनका जो प्लान है वो क्या है, वो उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे, खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, ये सब कुछ अभी तक गौतम गंभीर को भी नहीं मालूम है। रोहित शर्मा को लेकर काफ़ी पहले दिन से ही ये खबर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो पहला टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं। इस पर और ज़्यादा स्पष्टता के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद सीधे रोहित शर्मा से सवाल भी पूछा गया था, लेकिन तब रोहित से वो जवाब नहीं मिला जो कि सिचुएशन के हिसाब से उन्हें देना चाहिए था। अब ऑस्ट्रेलियाई रवानगी से पहले भी हेड कोच गौतम गंभीर से ये सवाल पूछा गया कि क्या रोहित उपलब्ध रहेंगे, उनसे ये सवाल पूछा गया, लेकिन असलियत में तो जो सटीक जानकारी है वो उनके पास भी नहीं है। कोच साहब को उतना पता था जितना पूरी इंडिया जानता है। रोहित की उपलब्धता को लेकर जो सवाल पूछा गया उस पर गंभीर ने जो कहा वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, इस बारे में फैसले सीरीज के शुरू होने से पहले किए जाएंगे। उन्होंने ये भी माना कि हो सकता है कि रोहित ना खेलें। साफ है कि रोहित की तरफ से अभी भी कुछ भी साफ साफ क्लियर नहीं किया गया है, और यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह टीम के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा का हालिया फॉर्म डगमगाया भी हुआ है, लेकिन गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले बताया कि रोहित और विराट के फॉर्म को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वहीं गौतम गंभीर ने ओपनिंग के विकल्पों पर भी बात की है। जब उनसे पूछा गया कि रोहित के ना होने पर ओपनिंग कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि अभिमन्यु ईश्वरन, केएल राहुल के नाम पहले दो विकल्पों के तौर पर तैयार हैं। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि टीम में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। ये पूछे जाने के पर कि शुभमन गिल को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा जा सकता है, तो गंभीर ने कहा कि मैं अभी भी आपको प्लेइंग 11 नहीं बता सकता, वो कंडीशंस पर निर्भर करेगा, कंडीशंस को देखते हुए ही टीम के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। हेड कोच गंभीर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमें कैसी पिच देती है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी भी कंडीशंस में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।